सुबह काम पर निकले थे, रात में तृणमूल अध्यक्ष के बेटे ने आत्महत्या कर ली। मालूम हो कि पिंटू शील अपने पिता का कारोबार देखता था। पिता को समझ नहीं आ रहा है कि उसके बेटे को क्या हो गया है। आत्महत्या करने वाले तृणमूल नेता के बेटे हैं। कोलकाता की गार्डन रीच घटना है। तृणमूल अध्यक्ष रंजीत शील के बेटे पिंटू शील का लटका हुआ शव शनिवार की रात बरामद किया गया। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत से तृणमूल नेता सदमे में है। वो और उसका परिवार समझ नहीं पा रहा है कि यह कैसे हुआ। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि पिंटू ने आत्महत्या की है। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार रंजीत शील के बड़े बेटे पिंटू शील ने शनिवार रात अपने ही फ्लैट में रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उस रात पिंटू की पत्नी ने फोन कर अपने ससुर रंजीत शील को घटना के बारे में बताया। परिवार के बाकी लोग तुरंत भाग गए। पिंटू को बचा लिया गया और सीएमआरआई अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलने की उम्मीद है। रंजीत शील ने कहा कि वो अपने बेटे की आकस्मिक मौत से हैरान है। कहा जाता है कि पिंटू अपने पिता का व्यवसाय देखता था। मालूम हो कि वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे। रंजीत शील ने बताया कि पिंटू शनिवार की सुबह भी अपने काम पर गया था। उन्होंने अपने बेटे से भी बात की। उन्होंने कहा कि इस लिहाज से कोई असामान्य व्यवहार नहीं देखा गया। कुछ साल पहले पिंटू की शादी हुई थी। शादी के बाद वो और उसकी पत्नी अलग अलग फ्लैट में रहते थे। पारिवारिक कलह का कोई जिक्र नहीं था। परिवार के अन्य सदस्यों को यह नहीं पता कि वो किसी कारण से डिप्रेशन से पीड़ित थे या नहीं। हालांकि अचानक हुई इस आत्महत्या से परिवार सदमे में है।